What's up guys? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मंथली एक्सपेंसेस जो हम करते हैं इन ऑस्ट्रेलिया, बट आई एम गोना टॉक अबाउट द वीकली एक्सपेंसेस बिकॉज यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हर बंदा अपना वीक के अकॉर्डिंग ही सारे एक्सपेंस देखता है, तो आप इंटू फोर कर लेना अपने हिसाब से. सो सबसे पहले बात आती है अपना रेंट, जो सबसे मेन है. तो हम लोग पे करते हैं 330 पर वीक. सो अगर आप एज अ सिंगल स्टूडेंट हो रहे आ रहे हो तो आपको 150 to 300 के बीच बीच में एक रूम मिल जाएगा इजीली. अगर आप एज अ फैमिली आ रहे हो तो 400 में एक घर मिल जाता है नॉर्मल सा, दो से तीन कमरों वाला. सो आप अपना अकॉर्डिंगली जैसी भी आपकी ज़रूरत है वो आपको मिल जाता है, बट हमारा है 330 पर वीक. सो गाइस, जब आपने एक घर लिया होता है तो आपको एक अपना इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर बिल सेपरेटली पे करना पड़ता है. तो हमारा वाटर बिल नहीं आता है, तो बच्चे हमारे इलेक्ट्रिसिटी और गैस बिल वो हमारा ऑन एन एवरेज $30 पर मंथ आ जाता है. हम लोग बहुत अगर बेसिक सा यूज़ करते हैं इसी तब आ जाता है $30 पर मंथ. और अगर आप कई बच्चों का इंक्लूडिंग होता है तो वो आपका चल जाता है. ओके, सो नेक्स्ट है सबसे मेन, उसके बाद घर के बाद मेन है अपनी ग्रॉसरी. तो इट डिपेंड्स आपका क्या रूटीन है, आपका घर पे आप डेली बना रहे हो तो आपका ग्रॉसरी का थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आपका बाहर का खाने का कम हो जाएगा. सो एज हम लोग ऑलमोस्ट 6 days घर पे बनाते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट $80 पर वीक कि हम लोग ग्रॉसरी ले आते हैं. मतलब जो भी है सारा सामान $80 पर वीक में हमारा काम चल जाता है. नेक्स्ट एक्सपेंस आ जाता है आपका ईटिंग आउट का, आप बाहर क्या खा पी रहे हो. तो हम लोग वीक में सिर्फ एक बार ही खाने पीने जाते हैं बाहर, मतलब हम लोग ट्राई करते हैं हम लोग वीक में एक ही बार जाएं. तो हमारा $20 to $40 के बीच में ईटिंग आउट का एक्सपेंसेस हो जाता है एक बार का. तो बाकी आप पे डिपेंड करता है, $20 कहीं जाते हैं यहाँ पर एक बार में खाने पीने के, चाहे आप एक बंदा जा रहे हो चाहे दो बंदे जा रहे हो, $20 आपके लग ही जाते हैं यार. नेक्स्ट एक्सपेंसेस जो आपका डे वन से ऑलमोस्ट शुरू हो जाता है, दैट इज़ आपका फ़ोन बिल. सो हमारा फ़ोन बिल आता है $100 पर मंथ, लाइक 98 कुछ आता है. तो मेरा है 65 पर मंथ का, निखिल का कुछ 40 पर मंथ का. मेरे को मिलता है 500 GB पर मंथ, निखिल को मिलता है 20 GB पर मंथ. आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली आप ले सकते हो प्लान्स, तो वो टोटली आप पर डिपेंड करता है. तो हमारा ऑलमोस्ट $100 में चल जाता है काम. आगे है हर स्टूडेंट का जो वो सोचते हैं हमारा ट्रैवल एक्सपेंस कितना हो जाएगा. सो जो बच्चे अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रिलाई करते हैं लाइक मी, तो मेरे लगते हैं ऑलमोस्ट $20 पर वीक मेरे स्मार्ट राइडर में ऑटो लोड हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट ऐप के थ्रू. अगर आपने अपनी वीडियोस मेरी पुरानी देखी होंगी तो आपको पता रहेगा. तो $20 में काम चल जाता है मेरा पर वीक में. तो बाकी अगर आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, काफ़ी दूर दूर तक कर रहे हो, तो आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, बट मेरा 20 में चल जाता है काम. एंड आगे जो बच्चे बाय कार यूज़ करते हैं, लाइक निकल कार यूज़ करता है, तो उसका सबसे फर्स्ट एक्सपेंसेस फ्यूल. जब भी आप पेट्रोल डीजल डलवाते हो तो वो, अगर आप ऊबर वगैरह भी करते हो उस कार में, तो पहली बात तो वो कमाई करके दे रही है, दूसरी बात उसमें अगर आप काफ़ी ज़्यादा ऊबर कर रहे हो, मतलब रोज़ जैसे कर रहे हो, तो आपका काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एक्सपेंस आएगा. मतलब 150 200 का राउंड भी आ जाता है कई बार, बट निखिल इतनी ज़्यादा नहीं करता, तो उसको 40-50 फ्यूल एक्सपेंस हर वीक का हो जाता है. एंड उसके बाद वो कार की इंश्योरेंस भी चाहिए, तो इंश्योरेंस $100. फिर उसके बाद उसका रोड असिस्टेंस है, तो वो $40 वो पर मंथ. तो ये सब कार के एक्सपेंसेस काफ़ी हो जाते हैं. अगर आप उससे कमाई कर रहे हो तो बिल्कुल सही लेना है कार, अदरवाइज मत लेना है कोई भी कार यार, प्लीज़. दैट्स इट, बस यही सब एक्सपेंसेस होते हैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का. अगर आप एज अ कपल हो तो हमारा एज अ कपल 800 to 900 पर वीक रेंट एंड सारे एक्सपेंसेस में चला जाता है. तो आप अगर स्टूडेंट हो तो आप इसको थोड़ा सा डिवाइड बाई 2 कर लेना और इंटू 4 कर लेना मंथ के लिए. तो बस यही बेसिक से एक्सपेंसेस रहते हैं हमारे. दैट्स इट गाइज, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नॉलेज मिली हो, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.